ब्रजनलावड़ से आ रहे थे और हमें दासी गांव जाना था, तो हमारे जो ये रेवड़ था बेडों का, इसमें कम से कम 340 बेड हैं। तो हम सीधे रास्ते से जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी वाला आ गया, टेम्पू था उसके पास, तो वो उसने सीधे हमारे इस रेवड़ के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी और फिर भागने की कोशिश की। पहले जब आया वो तो उसने एक बार रोक ली गाड़ी, उस वक्त हमारी दो ही बेटे मरी, मगर जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने ज़्यादा नुकसान कर दिया। अब इस वक्त तक कम से कम हमारे 37 बेटे मर चुके हैं और 20-25 हमारी जख्मी हैं और दो अभी मर रही हैं जो 10 मिनट में मर जाएंगे। तो हम उन्हीं को देख रहे हैं कि कितनी मरती हैं, क्या होते हैं, फिर हम घर की तरफ। अच्छा, तो अब DC साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों की बेड़े हैं। किसी ने लोन निकाल कर 10-15 ली हैं, तो किसी को यूनिट मिला है, किसी को कुछ है, सब गरीब ही लोग। कितने बजे वाका? और कम से कम 12:30 बजे से पुलिस फिर आया। हाँ, पुलिस आया और उसने वो गाड़ी वाले को और ड्राइवर को भी साथ ले गए, बोलते हैं कि उस पर FIR हो गया। तो डिपार्टमेंट से कोई आ गया? हाँ, डिपार्टमेंट से सुबह आ रहे हैं और वो लिख रहे हैं यहाँ, और ट्रीटमेंट भी हो रही है बाकी बेड़ों। हादसा पेश आया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40-42 एनिमल्स की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और 10-12 एनिमल्स सीवियरली इंजर्ड भी है और कुछ माइनर इंजरीज भी है, जिसमें फ्रैक्चर, हर्निया वगैरह भी है कुछ एनिमल्स में। उनका हमने इमिडिएटली रेफ़र किया है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग, पास में पड़ता है, जो कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर ही रेफ़र किया है। और जो माइनर इंजरीज थी वो यहाँ पर हमारा स्टाफ अवेलेबल है। फ्रॉम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 के करीब ही स्टाफ यहाँ पे आया है। जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है इंसिडेंट यहाँ पे कोई हादसा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमने रिक्रूट किया है यहाँ पे पूरा स्टाफ। और जो रही कंपनसेशन की बात, हमारा लाइफ स्टॉक कंपनसेशन, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक में एक कंडीशन रहती है, लेकिन उसमें डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट नहीं आता है, लेकिन अब FDRF में नॉर्मल है कि उसमें यह कंपनसेट हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्रपोजल पूरा देखा जाएगा किस, मतलब जो भी हमने ऐसा अभी तक किया है उसमें 12-13 लोगों के का लाइफ स्टॉक लॉस हो गया है। इसमें पूरा रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अकॉर्डिंगली अंडर FDRF में अगर कोई प्रोविजन है तो अकॉर्डिंगली ये कंपनसेट किए जाएंगे। दोस्त करो चक्र।